पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। बाय प्रोफेशन मैं डेंटल सर्जन हूँ और मेरी जो क्वालिफिकेशन, जो स्पेशलिटी है वो गम्स एंड डिजीज़ और इम्प्लांटोलॉजी है। मैंने अपनी अर्ली क्वालिफिकेशन जो है वो कराची पाकिस्तान लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री से हासिल की। उसके बाद आई वेंट टू यूके फॉर माय फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्लिनिकल डेंटिस्ट्री। फिर मैंने कुछ अरसे पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने के बाद आई वेंट टू कनाडा फॉर माय रेजिडेंसी इन इम्प्लांटोलॉजी और गम्स एंड डिजीज़ के अंदर। फिर उसके बाद आई वेंट टू यूके कार्डिफ यूनिवर्सिटी फॉर माय मास्टर्स इन इम्प्लांटोलॉजी। आज के दिन मैं आपको कुछ गम्स एंड डिजीज़ के बारे में, या जिंजिवल रिसेशन होता है जो मसूड़ों की तकलीफ जो अक्सर पेशेंट्स में हो जाती है और थोड़े बहुत नेग्लिजेंस की वजह से हो जाती है, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सो, ये क्यों होती है? अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और हमें आके ये बोलते हैं कि जनाब हमारे मसूड़े सूज गए हैं, हमारे दांतों के अंदर जान नहीं है, हम खाना सही तरह से नहीं खा सकते और समटाइम्स हमें एक स्मेल के साथ साथ बहुत सी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं गम्स के अंदर से। तो सबसे बड़ी ये चीज़ ये होती है कि वैसे मार्केट में आप देखते होंगे बहुत सारे टूथपेस्ट्स अवेलेबल हैं, माउथ वॉशेज अवेलेबल हैं, नो डाउट ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा always go for a professional care, right? कि अगर आप कोई भी किसी चीज़ के ज़रिए कोई भी कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं और आप किसी बीमारी को प्रॉपर तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप किसी प्रोफेशनल आदमी के पास जाएं या प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास जाएं कि वो आपकी इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सके। दांतों की मसूड़ों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो इसमें ये होता है कि आपकी प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं करना और ब्रशिंग टेक्निक्स। बेशक बहुत सारे लोग हमसे आके ये बोलते हैं कि हम जनाब दिन में दो दो तीन तीन दफ़ा ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी हमारे मसूड़े अक्सर सूजे हुए रहते हैं और खून आने की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। जैसे बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल टूथपेस्ट्स होते हैं उसको लगा के खून आना बंद तो हो जाते हैं लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते कि जनाब हमने डिज़ीज़ को जो प्रोग्रेस कर रही थी उसको हमने रोक तो दिया है लेकिन वो अंदर से अब एक्यूट फेस के बाद वो क्रॉनिक फेस की तरफ चली जाएगी, राइट? इसी वजह से हम कहते हैं कि आप लोग प्लीज़ आएँ और प्रोफेशनल लोगों से अपनी ट्रीटमेंट कराएँ ताकि बीमारी का जड़ से इलाज किया जा सके। इसके बहुत सारे कॉजेज भी होते हैं। इसका कॉज, सबसे मेजर जो कॉज होता है, जो कैलकुलस की डिपोजिशन होती है, जो आपके मुंह के अंदर एक पथरीली सतह डेवलप हो जाती है, प्लस इसका ताल्लुक आपके पेट से भी होता है, इसका ताल्लुक आपकी जनरल हेल्थ से होता है, इसका ताल्लुक आपके जो मेडिकमेंट्स वगैरह ले रहे होते हैं उससे भी होता है, राइट? इसके अलावा इसका सबसे बड़ा सबसे मेजर चीज़ होता है कि आप प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं वो आपकी मशीन के ज़रिए सफाई करते हैं। अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं वो मशीन के साथ साथ आपको रेकमेंड करते हैं कि वो हाथ से भी सफाई करेंगे और अगर बहुत क्रॉनिक कंडीशन है या उस पर्टिकुलर जगह के जो आपके मसूड़े हैं बहुत ज़्यादा सूजे हैं और दांत हिलना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल्स आपको ये कहते हैं कि हम आपके दांत नहीं बचा सकेंगे लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हम दांत बचा लेंगे, तो उसके लिए प्रॉपर रेमेडी करनी पड़ती है, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसमें हाथ के साथ भी सफाई हो रही होती है और प्लस सर्जिकली सफाई होती है जिसमें आपको एंटीबायोटिक वॉश दिया जा रहा होता है, एंटीबायोटिक मेडिकेशंस दिलाई जा रही हैं ताकि आपके मसूड़े जो हैं वो जरासीम, दैट इज़ द बैक्टीरिया, उससे प्रॉपर तरीके से पाक हो सकें, राइट? उसके अलावा आपको डॉक्टर जो है वो डिफरेंट पेस्ट्स इस्तेमाल करने को बताता है कि आपने किस टाइम से कब तक वो पेस्ट इस्तेमाल करना है, या माउथ वॉश होता है। देखिए मार्केट में माउथ वॉश हर किस्म के अवेलेबल होते हैं और कुछ माउथ वॉशेस ऐसे होते हैं जो डॉक्टर आपको ख़ुद अपने क्लिनिक में प्रिपेयर करके देता है और वो बताता है कि आप इसको कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे फ़र्क आपको ख़ुद ब खुद महसूस होने लगता है। लेकिन डेफिनेटली इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा इन अ सेंस, बिकॉज सबसे ज़्यादा ये चीज़ उन लोगों में देखी गई है जो लोग लेट नाइट स्लीपर्स होते हैं, जो रात को बहुत ज़्यादा जागते हैं और रात को बहुत लेट नाइट ईटर्स होते हैं और रात को खाना खा रहे होते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट यही है कि अपनी हैबिट्स को चेंज किया जाए। ब्रशिंग की टेक्निक्स जो होती है वो डॉक्टर आपको, प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो आपको सिखाते हैं।
आप बेशक दिन में दो दफ़ा ब्रश करें, रात को सोने से पहले, सुबह जब उठते हैं तब आप ब्रश करें, लेकिन सही तरीके से किया जाए, टेक्निक्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए, ताकि सही तरीके से सफाई इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। प्लस उसके साथ साथ सिर्फ ये चीज़ नहीं होती, आपके गट जो आपका पेट जो होता है उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जा रहा होता है कि किस तरीके से इस बीमारी से छुटकारा हासिल किया जा सके। जो लोग इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, प्लस जैसे जैसे आपके डेंटल प्रोफेशनल्स या स्पेशलिस्ट आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपने सफाई का ख्याल रखना है, किस तरीके से आपने माउथ वॉश का यूज़ करना है, किस तरीके से आपने टूथब्रश यूज़ करना है, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है, कितने अरसे तक के लिए यूज़ करना है, कौन सी आपने मेडिकेशंस वगैरह लेनी है या कितने अरसे तक के लिए आप ये ले लेनी है, और आपने इसको अब्यूज़ नहीं करना, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अब्यूज़ नहीं करना। जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही होती हैं तो आपने उस पर अच्छी तरह से अमल करना है। हर चार महीने के बाद अगर आपको मसूड़ों की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि मेरे मसूड़े सूज जाते हैं, मेरे मसूड़ों में से खून आने लगता है, बिकॉज ये याद रखिएगा, जब जब आपके मसूड़ों से खून आएगा तब तक बैक्टीरियल अटैक एक्सट्रीम में होना शुरू हो जाएगा, राइट, और ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है। अगर मसूड़ा तंदुरुस्त नहीं होगा तो नीचे वाली वो हड्डी जो है जिसने आपके दांत को होल्ड करके रखा हुआ है वो फ्रेजाइल हो जाएगी, एंड इवेंचुअली क्या होगा, जब मसूड़े की सील ख़त्म हो जाती है तो बैक्टीरिया जो है वो अंदर की तरफ एकदम जाने लग जाता है और वो पूरे के पूरे हड्डी को खाना शुरू कर दे। हड्डी को खाने की वजह से क्या होगा, आपके दांत हिलना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि आप प्रोफेशनल्स के पास जाएं ताकि आपको वो स्पेसिफिक बैक्टीरियल मेडिकेशन दी जाएगी, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जस्ट नॉट अ जनरल एंटीबायोटिक्स, जो लोग अक्सर खा के कहते हैं कि जनाब हमें इस डॉक्टर ने ये एंटीबायोटिक्स दी थी, अभी भी मुझे लग रहा है कि यही प्रॉब्लम हो गई तो ये मतलब मेरे परेशानी और प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। नो, इसीलिए कहा जाता है कि प्रोफेशनल एडवाइस लेना इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप जाके दिखाइए, अपना फॉलो अप कीजिए ताकि वो बीमारी को आप जड़ से ख़त्म कर सकें और वो वापस ना आए और आपके दांत सिक्योर रह सकें, बिकॉज दांत भी आपके जिस्म के दूसरे औज़ा की तरह हैं। अगर एक भी चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली कोई रीज़न है उसके जाने का, तो आपने उसको बचाना है। जिस तरह से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी खुदा ना खास्ता पांच उंगलियां, उनमें से एक भी अगर चली जाएगी तो आप यही सबसे बड़े कहेंगे तो जनाब ये चीज़ दिखाने वाली चीज़ है, तो वी नीड टू गो ऑन थ्रू द रिप्लेसमेंट। तो हम यही कहेंगे कि आप जो है प्रॉपर अपनी हाइजीन की केयर करें, जो भी अपनी प्रोफेशनल एडवाइस को अपने मद्देनज़र रखते हुए सारे चीज़ों को फॉलो करते रहें, तो आपके दांत खुश होंगे, आपका मसूड़ा खुश होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी स्माइल लाइन वेल मेंटेन रहेगी, आप खुश रहने की कोशिश करेंगे। आपका अगर स्माइल लाइन अच्छी नहीं होगी तो इवेंचुअली आपके लिए प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम लो होना शुरू हो जाएगी, बैड ब्रेथ की वजह से लोग आपके करीब नहीं आएंगे। तो इन सब चीज़ों को यू हैव टू फोकस अ लॉट इन ऑर्डर टू गेट समथिंग गुड इन योर लाइफ। सो इसी वजह से गम्स की डिजीज़ दैट इज़ मसूड़ों की प्रॉब्लम को नॉर्मल तरीके से नहीं लेना चाहिए, या फिर इन सब चीज़ों को मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप इस बात को जहन में याद रखिएगा कि जिन जिन लोगों को लिवर का इशू होता है, पेट का इशू होता है, किडनीज़ का इशू होता है, ब्लड के अंदर कोई इश्यूज़ होते हैं, सबसे पहले वो मसूड़ों की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो आपका जो डेंटिस्ट है वो सबसे पहले आपको बताएगा कि जनाब आप ये टेस्ट्स वगैरह कराएं ताकि इन चीज़ों से आप अपना छुटकारा हासिल पता कर सकें, और यही गम्स की वजह से जो है वो आप अपनी दूसरी बीमारियों के बारे में भी पता लगवा सकते हैं। अब मतलब थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, तो इसी वजह से कहा जाता है कि मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। चीज़ों को प्रिवेंट करने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को बढ़ने मत दीजिए, कि आपके लिए भी अच्छा है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपके मूड के लिए भी अच्छा है, और जो आपके साथ सब रह रहे हैं उन सब के लिए भी अच्छा है। अगर आपको मेरी बताई हुई ये सारी चीज़ें, रेमेडीज़, सजेशंस और रिकमेंडेड प्रोसीजर्स, जो कुछ भी है कि आपने किस तरह से प्रोफेशनल के पास जाके इसकी ट्रीटमेंट काउज करानी है, तो आप प्लीज़ विज़िट कीजिए स्माइल इम्पैक्ट, द सेंटर फॉर एडवांस्ड डेंटिस्ट्री एंड एस्थेटिक्स। आई एम द फाउंडर एंड आई एम वर्किंग एज स्पेशलिस्ट क्लिनिशियन डाउन ओवर हियर, और आप ओला डॉक के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, और इवन दो कि अगर आप ओला डॉक के थ्रू नहीं आना चाह रहे तो आप वॉक इन होके भी हमारे पास विजिट कर सकते हैं। एंड वी आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू टू जस्ट गेट अ ब्रीफ कंसल्टेशन रिगार्डिंग गम,
एंड इट्स हेल्थ. सो इसी के मुताबिक हम आपको मतलब चीज़ें बताएंगे कि किस तरह से इसकी ट्रीट किया जा सकता है और आपको अपनी गम्स की रिलेटेड बीमारी से छुटकारा कैसे दिलाया जा सकता है. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. यू टेक केयर. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए. लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें. ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से.